श्री गायत्री शिक्षा निकेतन नगर ऑनलाइन क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं आशु गुप्ता, अपनी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, 4 लेक्चर अपने हो गए हैं, आज 5वां लेक्चर है। कल अपने विद्युत आवेश वाले चैप्टर में कूलाम का नियम, वहाँ पर जो कांस्टेंट आए थे उनकी यूनिट वगैरह के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम परावैद्युतांक या दूसरा नाम है इसका आपेक्षिक विद्युत सीमता। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युत शीलता। तो कल जो अपन कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, कूलाम के नियम में अपन बल के बारे में पढ़ रहे हैं। बल कितने, बल जो था उसमें दो तरीके से बताए थे, एक अपना आया था कौन सा निर्वात में और एक अपना आया कौन सा माध्यम में। मैं पहले दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। वही दो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों बिंदु आवेश या तो होंगे किस में, निर्वात में, या होंगे किसी माध्यम में। माना कोई दो बिंदु आवेश हैं जो कहाँ स्थित हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। उन आवेशों के मान क्या है, Q1 एवं Q2, और उनके मध्य की दूरी क्या है, R। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कूलाम के नियम के अनुसार K Q1 Q2 अपॉन R2। यहाँ पर मैं K का मान रख रहा हूँ, तो K का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। जहाँ सिर्फ इस चीज़ से पता लगता है ये अपन किसके लिए लिख रहे हैं, अपन निर्वात के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो अपना है ये किस में आया है, बल, निर्वात में बल। वो कल लिख दिया, कल वाले से ये अपन यूज ले रहे हैं। दूसरा अपन किसके लिए कहेंगे, माध्यम में बल। माध्यम में बल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। फॉर्मूला वही अपना, के Q1 Q2 अपॉन R2। के की जगह जो लिखेंगे अपन क्या, 1/4πε0। बस नॉट और एप्सिलॉन का ही फर्क होता है, बाकी जो है वो सब कुछ क्या रहेगा, सेम, Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब अपन को जो परिभाषित करना है वो क्या करना है, आपेक्षिक विद्युतशीलता परिभाषित करनी है। सीधी सी बात है, कल जो अपन है इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, और ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है और ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है। तो कहीं ना कहीं आपेक्षिक, आपेक्षिक की जब बात करी जाती है तो दो चीज़ों की तुलना की जाती है, किसी का किसी के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बल की बात करेंगे, तो परावैद्युतांक का जो फॉर्मूला है वो है, जो परावैद्युतांक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, एप्सिलॉन आर से। उसको है फॉर्मूला जो है वो क्या है, निर्वात में बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटे माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निर्वात में अपना बल कौन सा है, एफ नॉट, और माध्यम में अपना बल कौन सा है, एफ। दोनों की वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एफ नॉट की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 अपॉन, माध्यम में जो बल है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। यहाँ से ये रेसिप्रोकल हो जाएगी अपनी राशि, जब ये राशि रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारा क्या मिलेगा, एप्सिलॉन R बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 इंटू, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 4πε0 R2 अपॉन, सॉरी ये नॉट नहीं है, Q1 Q2। यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो जो राशि कटेंगी वो कट जाएंगी, 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट।
मुख्य फॉर्मूला तो अपन ना कौन सा है जो अभी अपन ने ड्राइव किया है, ये वाला। यहाँ पर अपन कहेंगे क्या, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अपन को परिभाषा, जैसे अपन एक नंबर में परिभाषा आ जाए, परावैद्युतांक किसे कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो अपन कैसे परिभाषित करेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के आधार पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, अभी अपन बाद में न्यूमेरिकल देखेंगे, फिलहाल अपन इतना ही लिख के चलते हैं, ठीक है। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, परावैद्युतांक से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपना छप्पन नंबर फर्स्ट से या तो एक नंबर का या ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अपन को। तो यहाँ पर एक नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, या तो वो परिभाषा दे दीजिए या ये परिभाषा दे दीजिए। परावैद्युतांक के लिए अपन कहेंगे निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। चूंकि इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन ने जो फॉर्मूला उत्पन्न किया है वो ये वाला किया है, मुख्य रूप से अपन परावैद्युतांक की परिभाषा ये बनेगी। तो ये है अपनी मुख्य परिभाषा। यदि अपन को एक नंबर में आ जाए, इतना बड़ा डिटेल का नहीं लिखना, सीधा सीधा अपन को इस केवल इस फॉर्मूले के बारे में बात करनी है, केवल अपन को इतना लिखना है, माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये अपना छोटा सा टॉपिक था किसका, परावैद्युतांक का, ठीक है। अब जैसा कि अपन कह रहे हैं कि माध्यम में तो बहुत सारी पदार्थ होते हैं जिनको अपन किसके लिए यूज लेते हैं, माध्यम के लिए यूज लेते हैं, लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो अपना सबसे जो आवेशित करने वाली वस्तु है वो कौन सी है, धातु। कभी कभी धातु के लिए डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये अपन को याद रखना है, धातु के लिए परावैद्युतांक जो है वो कितना, इनफाइनाइट होता है, अपन को याद रखनी है ये चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है। छोटा सा टॉपिक था अपना, केवल परावैद्युतांक को अपन को परिभाषित करना था, वो अपन ने क्या कर लिया, परिभाषित कर लिया। केवल और केवल इस फॉर्मूले की सहायता से अपन को क्या करना है, परावैद्युतांक को परिभाषित कर। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अपन, जो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम से ही संबंधित टॉपिक है, वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कल अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा और कूलाम के नियम में अपन ने बताया कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसकी सहायता से अपन ने फॉर्मूला लिखा था F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और उसके अलावा अपन ने वहाँ पर क्या लिखा था, सदिश रूप में भी लिखा था, सदिश रूप में जब लिखा था तो अपन ने वहाँ पर कहीं ना कहीं बल की जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ी थी, दिशा की जरूरत पड़ी थी अपन को, ठीक है। उसके लिए अपन ने दिशा के लिए जो लगाया था वो लास्ट में क्या लगा देता है, एफ वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सदिश रूप में बताना है अपन को, इसके बताने के लिए अपन क्या करते हैं, माना कोई निर्देश तंत्र है, दो एक्सिस होती हैं तो द्विविमीय निर्देश तंत्र होता है, तीन एक्सिस होती हैं तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र होता है, फिलहाल अपना द्विविमीय से ही काम चल जाएगा। और इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में माना कोई दो आवेश हैं, चूंकि अपन को कूलाम का नियम लगाना है, कूलाम का नियम कम से कम लगाने के लिए कम से कम दो बिंदु आवेश चाहिए, तो अपन ने क्या ले लिया, माना कोई दो बिंदु आवेश हैं।
एक का नाम है अपना Q1 और दूसरे का नाम है अपना Q2। ठीक है, Q1 जो ये वाला पॉइंट होता है ये अपना मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु से Q1 को यदि मिला दिया जाए तो ये कहलाती है दूरी, और इसका दूसरा नाम है स्थिति सदिश। ठीक है, तो अपन कहेंगे Q1 मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R1 है। अब ये चीज़ अपन जानते हैं कि जो स्थिति सदिश होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, सदिश होता है, और यदि कोई राशि सदिश है तो उसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो यहाँ पर जो अपना ये स्थिति सदिश R1 है इसकी दिशा क्या होगी, जब भी कभी भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो जिसके सापेक्ष बोला जाए, जैसे अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि Q1 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछ लिया जाए वहीं से अपन क्या लगाना शुरू कर देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। तो O के सापेक्ष बोला है तो O से कहाँ गई वो दिशा, Q1 की ओर। चाहे अपन इनको पॉइंट नाम दे सकते हैं, अगर देना चाहें P पॉइंट बोल दे, क्यू पॉइंट बोल दे, तो अपन कह देंगे O से P की ओर, और इसके लिए बोल दे तो क्या बोल देंगे, O से Q की ओर। इसी प्रकार मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 आवेश का भी स्थिति सदिश है, और Q2 आवेश का स्थिति सदिश माना अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो क्या है, R2 है, और इसकी जो दिशा आएगी वही जैसे अपन कह रहे हैं कि Q2 आवेश का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वहीं से अपन क्या लगा देते हैं, दिशा लगा देते हैं। तो अपन ने कहाँ से लगा दिया, O से Q2 की और लगा दिया। अब अपन ऐसे मान के चल रहे हैं, माना Q1 भी क्या है, एक बिंदु आवेश है, इसको अपन ने सुविधा के अनुसार कैसा माना हुआ है, माना ये धनावेश है, और Q2 क्या है, Q2 भी बिंदु आवेश है, तो इसको भी अपन कैसा मान के चल रहे हैं, माना ये भी कैसा है, धनावेश है। तो अब Q1 कहीं ना कहीं किस पर, Q2 पर, और Q2 कहीं ना कहीं किस पर, Q1 पर बल लगाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे माना कोई धनावेश है और दूसरा धनावेश है, एक धनावेश है प्लस क्यू, दूसरा धनावेश है प्लस क्यू, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये वाला प्लस क्यू जो है वो इस पर इस वाली डायरेक्शन में बल लगाएगा। ठीक है, वो जो है जैसे बल की जो परिभाषा है, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, तो यहाँ से इस पर बल लगेगा तो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से अपन क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, ये बल। जैसे इसका नाम यदि अपन Q1 डालें, इसका नाम यदि अपन Q2 डालें, तो कौन बल लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q1 पर लगा रहा है, तो इसका जो कंप्लीट नाम देते हैं उसको बोलते हैं F21। इस F12 को बोलते कैसे हैं, दो के कारण एक पर लगने वाला बल, दो के कारण एक पर लगने वाला बल, ये बातें बारीकी से सीखना अपने सदिश निरूपण के लिए ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, दो के कारण एक पर लगने वाला बल, जैसे अपन कह रहे हैं कि Q2 आवेश किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, क्योंकि दोनों धनावेश हैं, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, इसी प्रकार Q1 भी किस पर बल लगाएगा, Q2 आवेश पर बल लगाएगा। जब Q1 Q2 आवेश पर बल लगाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में, तो उस स्थिति में जो बल लगेगा वो कैसे, इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसका नाम क्या होगा, F21। बोलेंगे कैसे, एक के कारण दो पर लगने वाला बल, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, कैसे बोलना है, एक के कारण दो पर लगने वाला बल, नाम दे देंगे उसको F21। चूंकि यहाँ पर अपन ने जो दोनों आवेश लिए थे वो कैसे लिए थे, धनावेश लिए थे, ये धनावेश लिया था, ये धनावेश लिया था, तो ये केवल जब दो आवेश कैसे हों, धनावेश हों, उस स्थिति में लगने वाले बल हैं। सिमिलरली यदि कोई दो आवेश अपने कैसे हैं, ऋणावेश हैं, एक अपन ने क्या ले लिया, ऋणावेश ले लिया, दूसरा अपन ने क्या ले लिया, ऋणावेश ले लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा और ये वाला इस पर बल लगाएगा, यही पहले वाली कहानी हो जाएगी, क्या वही, इसका नाम देंगे क्या, F12, दो के कारण एक पर लगने वाला बल, चूंकि समान थे उस स्थिति के लिए है ये वाली कंडीशन भी, वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, और ऐसे इसके लिए क्या लगेगा, F
टू वन, एक के कारण दो पर लगने वाला बल। बिल्कुल इसमें इस कंडीशन में तो कोई अंतर नहीं है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए माना एक आवेश अपन ने ले लिया क्या Q1। ये चीज़ ध्यान देने लायक है। यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। हमने जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल करने के लिए ये चीज़ अपन को क्या आएगी, काम आएगी। और ये है अपना क्या, माइनस का Q2 आवेश। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो धनावेश के कारण तो इस वाली डायरेक्शन में बल लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। धनावेश ऋणावेश पर इस वाली डायरेक्शन में ऐसे बल लगाएगा। यदि एक धनावेश है इधर ऋणावेश है तो ये इस तरीके से बल लगाएगा, और ऋणावेश के कारण धनावेश पर जो बल होगा वो इस वाली डायरेक्शन में होगा। ये बल का मान है क्या अपना F1, F2। अपन बोल रहे हैं ये वाला इस पर बल लगा रहा है, वो कौन सा लगा रहा है, एक के कारण दो पर लगने वाला बल। और ये वाला होगा कौन सा अपना F12, दो के कारण एक पर लगने वाला बल। ये चीज़ अपन को ध्यान देनी है। एक और पोजीशन बन सकती है, वो पोजीशन क्या, ये वो कंडीशन क्या, एक साइड अपन Q1 ले लें माइनस का और दूसरी साइड अपन किसका ले लें, प्लस का ले लें। तो अब की बार भी इसी तरीके की कंडीशन, लेकिन दिशा की बात तो अपन को ध्यान देनी है। जब इधर Q2 है तो वही दिशा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये लग गया कौन सा F12, दो के कारण एक पर लगने वाला बल। और इसके कारण क्या जाएगा अपना चिन्ह, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये बनेगा क्या F21, एक के कारण दो पर लगने वाला बल। ये चीज़ अपने जो काम आनी है वो किस में आनी है, न्यूमेरिकल में काम आनी है, उस टाइम अपन को ध्यान देना है। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरीके से लगानी है। यहाँ पे ये देखिएगा कि अपन चारों कंडीशन में देखें, यदि धनावेश ऋणावेश आता है तो बल की जो दिशा जाती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है लगभग लगभग। तो आगे चल के ये चीज़ अपने के अच्छे से जो होगी वो अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे, न्यूमेरिकल में जब दिशा की बात आएगी वहाँ पर क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। फिलहाल तो केवल इस वाली कंडीशन पर अपन ध्यान देते हैं, क्योंकि अपने जो दोनों आवेश हैं वो कैसे हैं, धनावेश हैं। जब दोनों आवेश धनावेश हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दो के कारण एक पर बल लगेगा जो इस वाली डायरेक्शन में लगा दिया, और एक के कारण दो पर बल लगेगा जो इस वाली डायरेक्शन में लगा दिया। इसका नाम क्या देंगे अपन, F12। दो है, किस पर बल लगा रहा है, एक पर लगा रहा है, तो दो के कारण एक पर लगने वाला बल। और इसको जो नाम देंगे अपन वो क्या नाम देंगे, F21, एक के कारण दो पर लगने वाला बल। ये चीज़ क्लियर। साथ के साथ हम स्थिति की बात करें, या तो हम जैसे ऐसे बोलेंगे कि जब अपन एक के लिए बात करेंगे, F21 के लिए बात करेंगे, तो अपन कहेंगे किसके कारण, एक के सापेक्ष दो पर बल, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन में कहीं ना कहीं किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, एक से दो की ओर जा रहे हैं, जिसके मैंने अभी बताया जिसके सापेक्ष बात करी जाती है वही अपन यूज ले लेते हैं। तो अपन कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, एक से दो की ओर। तो उसका स्थिति सदिश भी अपन लेते हैं क्या, R, और वो क्या होता है R21। क्या आएगा अपना R21। देखो ये जो अपन मैंने ये वाला कंपोनेंट लिया है, यदि मैं ये वाला बल ले रहा हूँ तो ये तुरंत के तुरंत बदल जाएगा, R12 हो जाएगा। ये वाला ले रहा हूँ तो R21 हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि जब इसकी दूरी की बात करी जाती है तो दूरी दोनों के लिए क्या है, समान है। जो केवल और केवल फ़र्क पड़ेगा वो किसका फ़र्क पड़ेगा, दिशा का फ़र्क पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने जो ले लिया वो किसके लिए लिया, के लिए ले ली दूरी अपन ने, F21 के लिए दूरी ले ली, जो कितनी है R21। तो सबसे पहले तो अपन इसी चित्र को अपन क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। परिभाषित कैसे करते हैं, माना कोई निकाय है जिसमें कोई दो बिंदुवत आवेश Q1 एवं Q2 स्थित हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1
Q1 एवं Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 वेक्टर हैं, ठीक है, तथा इन दोनों के मध्य की दूरी या तो वो R21 हो सकती है या वो R12 हो सकती है। ये अपन बल के हिसाब से लेंगे। यदि अपन 21 बल ले रहे हैं तो दूरी भी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। यदि अपन 12 बल ले रहे हैं तो दूरी भी क्या हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी, ठीक है। अब अपन को इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, चित्र में त्रिभुज से और इसमें भी अपन लगा रहे हैं क्या, सदिश योग का नियम। चित्र में अपन त्रिभुज से बात कर रहे हैं और त्रिभुज के सदिश योग के नियम की अपन बात करेंगे। त्रिभुज के सदिश योग का नियम अपन ने पढ़ा है, क्या कहता है त्रिभुज के सदिश योग का नियम। त्रिभुज के सदिश योग के नियम के अनुसार किन्हीं दो भुजाओं का योग 30 विपरीत दिशा में जाने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पर बात करें, दो समान दिशा, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैसी हैं, समान हैं। इनका योग विपरीत दिशा में जाने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो अपन इस त्रिभुज में सदिश योग के नियम के हिसाब से क्या कह सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, R2 वेक्टर। त्रिभुज के सदिश योग का नियम एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। त्रिभुज के सदिश योग के नियम के अनुसार किन्हीं दो भुजाओं का योग, ऐसे बोले एक ही दिशा में चलने वाली किन्हीं दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आने वाली तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो ये अपने लगा दिया कि इसमें त्रिभुज के सदिश योग का नियम। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अपन यहाँ जब अपन R21 यूज ले रहे हैं तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर लिखा जा सकता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को बल निकालने हैं, F12 की बात करनी है और F21 की बात करनी है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। एक के कारण दूसरे पर देख रहे हैं अपन, इसको नाम देंगे क्या, ध्यान दीजिएगा पीछे से शुरू करते हैं, एक के कारण दो पर लगने वाला बल, तो इसको बोलते हैं F21। एक के कारण दो पर लगने वाला बल F21। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, किसका, कूलाम का। और कूलाम का फॉर्मूला क्या कहता है, के Q1 Q2 अपॉन, कूलाम का नियम कहता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कैसी है, क्या है, R21। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, R21 के वर्ग इंटू, जब अपन यहाँ पर सदिश लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सदिश। इस चीज़ पे ध्यान रखना, इस पर कोई सदिश का निशान नहीं आएगा। कल मैंने आपको सदिश रूप में लिखवाया हुआ है कूलाम का नियम, जब कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखवाया था तो इस तरीके से लिखवाया था R2 × R, केवल और केवल ये यहाँ पर क्या आ गई दिशा, यही क्या बना देगा इसको, सदिश बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आ जाएगी, दिशा, और दिशा क्या है फिलहाल अपनी, बल्कि एक से दो की ओर, यही तो है अपनी बल की दिशा, एक से दो की ओर। समीकरण नंबर इसको बोल देंगे क्या, 2। जैसे अपन ने Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल निकाला है, ऐसे ही किसके कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला
बल। नाम देंगे क्या इसको? एफ वन टू। नाम हो गया अपना क्या? दो के कारण एक पर लगने वाला बल। नाम बोलेंगे उसको एफ वन टू। वही आएगा कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का क्या आएगा? के क्यू वन क्यू टू बटे। अब देखो इनके बीच की दूरी क्या है? आर टू वन थी अभी जब अपन लिया था एफ टू वन। जब अपन लेंगे एफ वन टू तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर वन टू हो जाएगी। तो बटे लिखेंगे आर वन टू का स्क्वायर इंटू आर वन टू क्या। इक्वेशन नंबर तीन। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए। F21 का मतलब है दो के कारण एक पर लगने वाला बल। इस नियम की सहायता से ये अपना परिमाण होता है। यहाँ हमने परिमाण लिया है, जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं, चाहे R12 की बात करें चाहे R21 की बात करें, दोनों का परिमाण जो होगा वो केवल और केवल ये होगा। दोनों का परिमाण जो होगा वो केवल और केवल ये होगा। और यदि हम इसकी दूरी मापें तो दोनों के लिए कैसी आएगी? ये दूरी समान आएगी। समान आने के कारण अपन कह सकते हैं चूंकि R12 इज इक्वल टू R21। कह सकते हैं नहीं कह सकते? ऐसे ही कहीं ना कहीं हम इनकी बात करेंगे, दिशाओं की बात करेंगे। अब हम देख रहे हैं जब हम 21 के लिए बात करें तो दिशा चल रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में, और यदि हम 1-2 की बात कर दें तो दिशा हमारी जाएगी जो इस वाले डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब दिशा वैसे तो समान है लेकिन प्रकृति जो है वो कैसी है? विपरीत है। तो उसके लिए क्या कहेंगे अपन? R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। दिशा वैसे तो कैसी है? बराबर, लेकिन अपन ने विपरीत प्रकृति की होने के कारण चिन्ह कैसे लगा दिया? उसमें माइनस लगा दिया है। R12 कैप इज इक्वल टू क्या लिख दिया? R21 कैप। अब चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 ले लीजिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, दोनों से ही अपना रिजल्ट आ जाना है जो अपन को निकालना है। तो अपन यहाँ ये वैल्यू किस में प्रतिस्थापित कर रहे हैं? समीकरण 3 से। समीकरण नंबर 3 से अपन क्या कहेंगे? F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2। देखो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। R12 के स्थान पर मैं क्या रख रहा हूँ? R21 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या रख दिया? R21 स्क्वायर इंटू ये दूसरा क्या है अपना? R12 कैप। R12 कैप किसी के अपन क्या रखेंगे? माइनस R21 कैप। इसको और रीअरेंज कर देंगे। F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह मैंने आगे निकाल लिया, के Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप। इस समीकरण में जो RHS वाला स्टेप है, RHS वाला स्टेप मतलब ये वाला, इस पे अपन गौर करते हैं। ये अपन देखें तो एज इट इज जैसा का जैसा अपन ने समीकरण नंबर 2 लिखा है ना, समीकरण नंबर 2 का RHS है वही है, केवल किसको छोड़ दिया जाए? माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ से अपना क्या निकलेगा? एफ अपन यहाँ पर लिख देंगे कौन सी समीकरण से? समीकरण 2 से। तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब यदि कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल का परिमाण में जब बात आएगी तो सदिश की बात नहीं करते। इसका मतलब दिशा की बात नहीं करते। तो दोनों का परिमाण तो कैसा है? समान, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत। तो रिजल्ट में अपन लिख देंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण समान एवं दिशा विपरीत होती है। यही है कौन सा? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कूलाम के सदिश निरूपण को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए।
ठीक है। तो अपन ने शुरुआत किससे की, शुरुआत अपन ने किया है, माना कोई निकाय है, निकाय में एक निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में अपन ने क्या किया, कोई दो आवेश ले लिए, एक आवेश है Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। जिसके भी सापेक्ष पूछा जाए दिशा, वहीं से ही प्रारंभ कर देते हैं। तो O के सापेक्ष पूछी है तो दिशा कहाँ से चलेगी, O से Q1 की ओर, O से Q2 की ओर, ठीक है। उसके बाद अपन कहेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, 2 के कारण 1 पर लगने वाले बल की बात करेंगे, नाम दे देंगे क्या उसको, F12। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो उसका नाम दे देंगे क्या अपन उसको, F21। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी बन जाएगी, उन दोनों के बीच की दूरी को अपन अकॉर्डिंग टू लेंगे हम कौन सा बल लेना चाह रहे हैं। यदि हम F21 बल लेना चाह रहे हैं तो दूरी कौन सी आएगी, R21 आएगी। यदि अपन F12 बल लेना चाह रहे हैं तो दूरी कौन सी आएगी, R12 ही आएगी। ये अपन को ध्यान देना है। जैसे अगर अपन इसको R12 लिखेंगे तो जो तीर का चिन्ह है वो किधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे। फिर उसके बाद सदिश योग का नियम लगाएंगे अपन, तो अपने आप ही अपना क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 - R2, अपना आप ही आ जाएगा। केवल तीर के चिन्ह अपन को क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। जो अपन तीर का चिन्ह इस वाली डायरेक्शन में लगा देंगे ना, तो अपना क्या हो जाएगा, R2 + R12 = R1। पक्षांतरण करेंगे तो R12 बराबर क्या बन जाएगा, R1 - R2 बन जाएगा। वो अपन ने त्रिभुज में सदिश योग के नियम के हिसाब से अपन ने एक निकाल लिया, सिमिलरली अपन दूसरा भी निकाल सकते थे, लेकिन अब इसी प्रकार से काम चला देंगे। फिर अपन ने Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम लगा दिया। बस बोलने का तरीका ज़रूर ध्यान रखना है, एक के कारण दो पर लगने वाला बल अपना यह है, यू अपन ने लगा दिया क्या, F21। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल लगा दिया, वहाँ से निकाल दिया क्या, F12। फिर हमको जो चित्र में कंक्लूजन दिख रहा है उससे अपन ने कुछ रिजल्ट निकाला, और हमको चित्र में दिख रहा है चाहे R12 है चाहे R21 है, दोनों का परिमाण तो कैसा है, समान, या दोनों Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी दोनों ही कंडीशनों में कैसी है, समान है। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, समान लिख दिया। और यदि दिशा की बात करें तो दिशा वैसे तो समान है लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। यदि एक x एक्सिस में जा रहा है तो दूसरा कौन सा, -x एक्सिस में जा रहा है। यदि एक y में जा रहा है तो दूसरा कौन सा, -y में जा रहा है। इसका मतलब एक्सिस तो समान है लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है, ±। तो उस कारण अपन ने ये लगा दिया, कोई से भी चाहे तो अपन समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करें चाहे अपन समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करें, दोनों में ये वैल्यू प्रतिस्थापित कर ली, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और इस रिजल्ट की सहायता से अपन कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। यह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक अपन इसी पर ही कूलाम के नियम पर आधारित है, वो बलों के लिए है। अपने टॉपिक का नाम है बहुल आवेशों का सिद्धांत या अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि नाम ही स्पष्ट हो रहा है, बहुल आवेशों का सिद्धांत। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में अपन ने कहा था कि कोई निकाय है और उस निकाय में कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं। अब अपन यहाँ पर कहेंगे कि कोई निकाय है उसमें आवेश कितने हैं, बहुत सारे आवेश हैं, 2 आवेश नहीं हैं। तो अपन जो अब पढ़ेंगे वही बलों के लिए सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आवेश 2 ना होके 2 से अधिक होंगे या 2 से बहुत ज़्यादा होंगे।
लेकिन बहुल आवेशों का सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत 11th क्लास में छोटा सा पढ़ा है, और 11th क्लास में अपन ने तरंग वाला जो चैप्टर था वहाँ पर अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है। वहाँ पर यदि किसी बिंदु से दो या दो से अधिक तरंगें निकलती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन क्या होगा, सभी तरंगों के विस्थापन का सदिश योग होता है। सिमिलरली इस वाले केस में भी इसी तरीके की कहानी है, यदि किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश बल लगा रहे हैं तो लगने वाले बल का परिणामी मान उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर एक शब्द अपना आ रहा है, वो शब्द है अपना बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मैंने एक दिन और बताया था जब अपन योज्यता का नियम चला था, जब बीजगणितीय योग की बात करी जाती है तो उस स्थिति में प्लस माइनस चिन्ह की भी बात करी जाती है। यदि सबकी दिशा समान है तब तो ऑलरेडी एक बार में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। यदि दिशा अलग अलग आती है तो उस टाइम उसके ऊपर सदिश लगाना होता है, क्योंकि सदिश ही किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अपन उसी तरीके से पहले सबसे पहले अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा कहेंगे। किसी निकाय में एक आवेश पर लगने वाले बल का परिणामी मान उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के परिणामी मान के बराबर होता है। ठीक है, यह अपना कौन सा सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद अपन मान लेंगे, माना कोई निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश Q0, Q1, Q2, Q3, .. Qn है। तो सीधा सीधा अपन कहते हैं माना कोई निकाय जिसमें कितने आवेश हैं, n आवेश हैं। तो अपन यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, अपन ने वही निकाय लिया। देखो अपन केवल है ना निर्देश तंत्र दिखाते हैं यहाँ पे कि हम निर्देश तंत्र दिखा दिया। हालांकि इस वाली इस तरीके की कंडीशन होती है, कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा पिंड होता है और उस पिंड में क्या होता है, एक निर्देश तंत्र होता है। और जहाँ भी ये होता है, तीनों एक्सेस एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, जहाँ मूल बिंदु होता है वहीं कौन स्थित होता है, प्रेक्षक होता है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए केवल अपन इतना ही लेते हैं। तो अपन यहाँ पर कह रहे हैं, माना अपन ने क्या ले लिया, एक निकाय ले लिया। इस निकाय में कई सारे आवेश हैं, माना कोई आवेश है Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, चलो इतने से ही काम चला देंगे, इतने में ही लिख देंगे अपन। माना ये कोई आवेश है अपना कौन सा, Q0। ये है हमारा कोई आवेश Q1, ये है हमारा कोई आवेश Q2, ये है हमारा कोई आवेश Q3, ये अपना Q4, और ऐसे ही Q5, Q6, Q7, Q8, .. Qn। वही अपने पिछले वाले टॉपिक की तरह अपन यहाँ पर लिखेंगे, Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये थोड़ा सही नहीं मिला, Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आएगा, वही अपना Q1 है, ये अपना मूल बिंदु O है। मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर, Q3 का स्थिति सदिश R3 वेक्टर, एंड सो ऑन। Qn का स्थिति सदिश Rn वेक्टर। बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल पिछले वाला अपन ने काम कर लिया। लेकिन इसमें आवेश एक दो नहीं है, दो से बहुत ज़्यादा हैं। हमने सुविधा के अनुसार कितने आवेश लिए हुए हैं, n आवेश ले रखे हैं, और n आवेशों के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपन ये कहेंगे, अब जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने बताया किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान, तो अपन ने यहाँ पर जो चूज कर लिया वो अपन ने कौन सा आवेश चूज कर लिया, Q0। Q0 पर अपन देखेंगे कि सभी आवेशों के कारण बल क्या क्या लगेंगे। तो सारे के सारे धनावेश लिए हुए हैं हमने यहाँ पे, Q0, Q1, Q3, Q4 और Q5, सारे के सारे कैसे हैं, धनावेश। सबसे पहले अपन बात करें Q0 के, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला
बल, तो ये इसी तरीके से जाएगा जैसे अपन ने लिया था एक के कारण दो पर लगने वाला बल, तो उसी डायरेक्शन में दिशा लगा देते हैं। तो ये हो गया कौन सा, एफ नॉट वन वेक्टर, एक के कारण जीरो पर लगने वाला बल। सिमिलरली दो के कारण बल ये आ जाएगा, यदि हम तीन के कारण देखना चाहें ये अपना तीसरा है, तीन के कारण बल ऐसे आ जाएगा, यदि अपन चार के कारण देखना चाहें चार के कारण बल इस तरीके से आ जाएगा, और यदि अपन एन के कारण देखना चाहें तो एन के कारण बल इस तरीके से आ जाएगा। ये चित्र थोड़ा सही से बनाना तरीके से, क्यू नॉट पर बल लगा है किसके कारण, एक के कारण, ये वाला किसके कारण लग रहा है, दो के कारण, तो क्या बनेगा एफ जीरो टू वेक्टर, ये किसके कारण लग रहा है तीन के कारण, तो इसको बोलेंगे क्या एफ जीरो थ्री वेक्टर, ये किसके कारण लग रहा है चार के कारण, तो इसको बोलेंगे एफ जीरो फोर वेक्टर, और ये किसके कारण लग रहा है एनवे के कारण, तो इसको बोलेंगे एफ जीरो एन वेक्टर। ये अपना चित्र बन के कम्प्लीट है, डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है, चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा सभी की डायरेक्शन समान नहीं है, सभी की डायरेक्शन कैसी है अलग अलग है। तो अपन इसको सबसे पहले अध्यारोपण की परिभाषा दे देंगे, परिभाषा के बाद कह देंगे माना कोई निकाय जिसमें एन आवेश स्थित हैं जिनके मान क्यू नॉट क्यू वन क्यू क्यू टू क्यू थ्री डॉट 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 क्यू एन है, इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आर नॉट आर वन आर टू आर थ्री आर फोर डॉट 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 आर एन है, ठीक है। उसके बाद अपन कह देंगे माना क्यू वन के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ नॉट वन है, क्यू टू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ टू नॉट है, क्यू थ्री के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ थ्री नॉट है, डॉट 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 एन वे के कारण नॉट पर लगने वाला बल एफ नॉट एन है। आते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन को क्या कर देना है, सबका टोटल कर देना है, सबका टोटल क्या है एफ नॉट पर लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक बल के सदिश के योग के बराबर होता है। तो अपन ने प्रत्येक बल ले लिया वन टू थ्री फोर डॉट 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 एंड सभी का क्या कर दिया सदिश योग कर दिया, यही किसके अंतर्गत चला जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत चला जाएगा। इसको अपन डालेंगे क्या इक्वेशन नंबर वन। अब अपन सिमिलरली लिखेंगे क्यू वन के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या बनेगा अपना एफ नॉट वन इज इक्वल टू, ठीक है एफ नॉट वन क्या बने एफ नॉट वन क्या बनेगा। एक चीज़ और, जैसे अपन ने पिछले वाले में लिया था एफ टू वन, तो उसके लिए जो दूरी ले ली थी वो क्या ले ली थी आर वन टू ले ली थी, तो ऐसे ही अपन को यहाँ पर करना है। जब अपन एफ नॉट वन ले रहे हैं तो दूरी क्या बन जाएगी उन दोनों आवेशों के मध्य की आर नॉट वन बन जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे के एक आवेश कौन सा है Q नॉट और दूसरा आवेश कौन सा है Q1 बटे उन दोनों के बीच की दूरी क्या है R नॉट वन का स्क्वायर इंटू R नॉट वन कैप। चाहे यहाँ पर परिणाम ले लीजिए या वैल्यू रख देंगे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन फिलहाल जो है वो परिणाम ले लेते हैं वैल्यू रख देंगे बाद में। केवल परिणाम ले रहा हूँ दिशा नहीं ले रहा। इक्वेशन नंबर टू क्यू टू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या बनेगा अपना एफ नॉट टू इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू वन वन नहीं अब की बार टू अपॉन आर नॉट टू का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टू ऐसे ही अपन किसके कारण तीन के कारण निकालेंगे, ऐसे ही किसके कारण चार के कारण निकालेंगे, और ऐसे ही किसके कारण क्यू एन के कारण
क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट एन इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, यदि अपन को दिशा लगानी है, दिशा लगा देना, इस पे वेक्टर लग जाएगा आर नॉट वन कैप बन जाएगा, इस पे वेक्टर लग जाएगा आर नॉट टू कैप लग जाएगा, इस पे वेक्टर लग जाएगा आर नॉट एन कैप लग जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2, 3, 4 का मान किस में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित तो कर सकते हैं। तो वहाँ और समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, साथ के साथ अपन क्या है वहाँ पर फिलहाल सदिश को हटा के चल रहे हैं, सदिश की सबसे लास्ट ले लेंगे अपन, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, समीकरण 1 से एफ बराबर एफ नॉट बराबर, मैं वैल्यू रख रहा हूँ एक एक करके, के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर नॉट वन का होल स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर नॉट टू का होल स्क्वायर, ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का, डायरेक्ट के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ जो जो राशि कॉमन आ रही है उसको अपन क्या कर देंगे, कॉमन ले देंगे, तो यहाँ कॉमन क्या आ गया, के आ गया, एक कौन आ गया, क्यू नॉट आ गया, और बची हुई राशि क्या है, परिवर्तनशील है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन, क्यू वन अपॉन आर नॉट वन का स्क्वायर प्लस क्यू टू अपॉन आर नॉट टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्यू एन अपॉन आर नॉट एन का स्क्वायर। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे एन स्टेपों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और जब कभी भी योग की बात आती है तो उस स्थिति में अपन किस चिन्ह का यूज लेते हैं, समेशन चिन्ह का यूज लेते हैं, तो यहाँ पर भी अपन किसका, समेशन का यूज ले देंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, एफ नॉट बराबर के क्यू नॉट समेशन, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कहीं ना कहीं से मान तो प्रारंभ होंगे, हमारे मान कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, वन से प्रारंभ हो रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक प्रारंभ जा रहे हैं, तो अपन ने क्या लिख दिया, आई बराबर वन टू एन, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर, ये अपना बन जाएगा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिणामी मान। यदि अपन को सदिश रूप में लिखना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सदिश लगा देंगे, साथ के साथ यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, आर नॉट आई कैप लगा देंगे, इसी को अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर नॉट आई कैप। यदि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन होती है तो यहीं से ही लेके चल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आर नॉट वन कैप, आर नॉट टू कैप, आर नॉट थ्री, आर नॉट एन कैप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू वन अपॉन आर नॉट वन का स्क्वायर इंटू आर नॉट वन कैप, क्यू टू अपॉन आर नॉट टू का स्क्वायर इंटू आर नॉट टू कैप, क्यू एन अपॉन आर नॉट एन का स्क्वायर इंटू आर नॉट एन कैप, तो यहाँ वही वेक्टर चलेगा, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट समेशन आई बराबर वन टू एन क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर इंटू, जो अपन यहाँ दिशा छोड़ते हुए आ रहे हैं वो दिशा लगा देंगे, वो क्या बन जाएगी, आर नॉट आई कैप। चाहे मैं एक ही शब्द में ऐसे कहूँ, इसको मैं किस रूप में लिख दूँ, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या बन जाएगा अपना, एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट समेशन आई बराबर वन टू एन क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर इंटू आर नॉट आई कैप। हो सकता है यहाँ बोर्ड पे दिख नहीं रहा हो, इसमें मैं श्योर नहीं कह सकता, ठीक है, फिर भी मैं बोल के चल रहा हूँ, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट समेशन आई बराबर वन टू एन क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर इंटू आर नॉट आई कैप। इसको इस तरीके से लिखा अपन, इसमें वैल्यू रख रख के देख सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या रखें, आई बराबर वन रखें, आई बराबर वन रखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू वन आर नॉट वन का स्क्वायर, चूंकि समेशन है तो चिन्ह होता है एक से लेके एन तक मान, सबके बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आई बराबर दो रखेंगे तो प्लस क्यू टू अपॉन आर नॉट टू का होल स्क्वायर, देखो क्रम से अपने ये स्टेप आते चले जाएंगे, इसका मतलब इस वाले स्टेप को ऐसे लिखा जा सकता है, ये कहता है अपना बहुल आवेशों का सिद्धांत, जो अपन ने किसकी सहायता से निकाल लिया,
कूलाम के नियम की सहायता से निकाल लिया, बलों की सहायता से अपने किसका मान निकाल लिया, बहुल आवेशों के सिद्धांत का मान ज्ञात कर लिया। आज के लिए इतना है।